नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है। उप निर्देश के अनुक्रम में आज प्रभारी निरीक्षक चुनार में पुलिस टीम को प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर रामघाट मंदिर कस्बा चुनार 3 अभियुक्तों के पास से को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से हीरोइन जिसकी कीमत 21 लाख रुपए है बरामद की गई है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और खासकर नशे का कार्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसमें थाना चुनार टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 200 ग्राम हीरोइन अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए ये पकड़ा गया है और साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लल्लू प्रदीप गुप्ता, सनी राही और शीतल, इन सबको गिरफ्तार किया गया है और भविष्य में भी नशे के खिलाफ इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। इसमें टीमें लगाई गई है ये भी पता करने के लिए कि इसमें अगर और भी लोग शामिल हैं जो लोग इस तरीके का हेरोइन गांजा इत्यादि का कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 200 ग्राम हेरोइन अनुमानित कीमत 21 लाख थाना चुनार के द्वारा पकड़ी गई है और भविष्य में इस तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। ये कहां से सब लाए रहे थे, ये क्या पता चल पाया कि ये टीमें हमारी बनाई गई है, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व है, उन सबको भी पकड़ा जाएगा और गैंगस्टर 14-1 की भी कार्रवाई फर्दर करवाई जाएगी। ये थाना चुनार की टीम के द्वारा ये कार्य किया गया है और जनपद मिर्जापुर में आगे भी इस तरीके का अभियान चलता रहेगा। अच्छा, शहर से लेके कई जगहों पे हीरोइन का कारोबार हो रहा है, ऐसे में कोई कार्रवाई? जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान में ये बड़ी सफलता थाना चुनार टीम को लगी है और आगे भी अभियान हमारे एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व में, सीओ के नेतृत्व में लगातार चलते रहेगा। थैंक यू सर।